अच्छा पैर में नहीं चुभ रहा? बैग तोरा पैर में चुभता है? नहीं चुभता, उसका कला साफ करिए, उतना हम नहीं जानते हैं। इधर थोड़ा हो गया, एक चुभता है नहीं चुभता है वो कर हम ठीक कर। देखिए बाबा खाली पैर से जो है, देखिए यहाँ पे आज सो रहे हैं, कांटा पे सो रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए कांटे पे सो रहे हैं, बहुत ही आश्चर्य बात है। और बाबे के ऊपर जो है देखिए किस तरह से युवा चढ़े हुए हैं। गंगा जिला के रामपुर में उपस्थित है और यहाँ पे ब्लॉक मुख्य सड़क है और यहाँ सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है, वो भी भव्य तरीके से होने जा रहा है। हालांकि दरभंगा में कई जगह महायज्ञ हुआ, भव्य तरीके से हुआ, लेकिन उससे भी भव्य तरीके से यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह जो है हवन जो मंडप है वो पूरी तरह तैयार होने पर कुछ ही बाकी है। आप देख रहे हैं यहाँ सामने, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और इधर भी देख रहे हैं कि इधर गड्ढा है और यहाँ पे 10 दिन जो आचार्य है वो जमीन के अंदर 10 दिन रहेंगे, आखिर में कैसे रहेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हम आपको पूरी तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं और जो यहाँ प्रारंभ होगा और 3 तारीख को समापन होगा भव्य तरीके से, उस दिन जिससे जो है लोग भक्तिमय में डूबे रहेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर में क्या क्या विधि व्यवस्था यहाँ रहेगी, सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था किया जाएगा, जो भक्तजन श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हम बात करते हैं और ख़ासकर यहाँ कुछ जो है आचार्य भी आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, तमाम सारी बातों को आज हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए दूर दूर से यहाँ पर जो आचार्य हैं वो आए हैं महायज्ञ में, अपना योगदान देंगे। और जी बताइए बाबा कहाँ से आए हैं? हम शिव शक्ति माँ कामाख्या मंदिर से आए हैं, मायाउन से। कौन सा है? ये असम। असम से आए हैं? हाँ असम से। तो यहाँ पे किस तरह से जो है महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए श्री महायज्ञ का बहुत भव्य से आयोजन किया जा रहा है और हमारा शुभ नाम हुआ श्री श्री 108 लालदास जी महाराज जी। तो यहाँ के हमार काम है जो समाधि लेना, हम भूमि समाधि भी लेते हैं, जल समाधि भी लेते हैं, प्रॉपर में यहाँ रखा गया है भूमि समाधि का। तो इसमें जो जितना दिन हम रहेंगे समाधि में, उसमें बिना फल खाए हुए मल मूल त्याग करके बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और समाधि कठोरता समाधि होती है हमारी। तो इस सब ग्रामवासी के सहयोग से श्री महाविष्णु जग हो रही है, इसमें सभी भक्तों से के आना चाहिए और दर्शन करके पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए। का नाम है क्योंकि भागवत गीता का कथा है, हे अर्जुन या काम ना करे जीव का नाश, जोड़ी जोड़ी लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। इस कारण सब काम ना करो मित्र बर दूर, भाव सदा निष्काम हो कर लो धर्म जरूर। धन किसी का नहीं है, ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ, 5 तत्व में विलीन हो जाना है। ये कोठा यमारी गाड़ी बंगला किसी का नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। यही दान पुण्य जो कीजिएगा वही अपना है। सब आदमी भाग लीजिए और इस जग में भाग लेकर के पुण्य की प्राप्ति बने। जय श्री सीताराम। 10 दिन जो आप समाधि में रहेंगे बिना दाना पाना खाए हुए जो रहेंगे, क्या कुछ कोई ईश्वर शक्ति भी है? सब योग से माध्यम होती है, योग से होती है, साधना से होती है। और समाधि इसलिए लिया जाता है जो मानव कल्याण, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हमारे भारत देश में कोई भी ऐसा आपदा आवे तो अपना शक्ति योग से है परमात्मा जो उसका खंडन कर सके। क्या नाम हुआ? शुभ लालदास जी महाराज जी, श्री श्री 108 लालदास जी महाराज जी का छपशिला पर्वत मायोंग हसाम। तो देखिए यहाँ पे जो है बाबा 11 दिन समाधि में रहेंगे बिना अन्न पानी खाए हुए, आखिर में किस तरह से रहेंगे खासकर बाबा बताएं। और यहाँ पे एक बाबा और है, उनसे भी जानेंगे कि कांटे पर जो है बाबा रहेंगे आखिर में किस तरह से रहेंगे। देखिए यही कटीला है, इसी पर बाबा जो है इस पर मतलब बाबा सोइएगा कि रहिएगा, इस पर बैठिएगा, यहाँ पे इस कटीले पर आप सोइएगा? अरे ये कटीला भाई इस पर तो जिंदगी भर सोए रह जाएंगे, उस पर अखंड 11 दिन का सैया है जो ये पंडाल बन रहा है, वहाँ कांटा है, कांटा भी पूरा है या नहीं है? अच्छा पैर में नहीं चुभ रहा? बैग तोरा पैर में चुभता है? नहीं चुभता, उसका कला साफ करिए, उतना हम नहीं जानते हैं। इधर थोड़ा हो गया, एक चुभता है नहीं चुभता है वो कर हम ठीक कर। देखिए बाबा खाली पैर से जो है, देखिए यहाँ पे आज सो रहे हैं, कांटा पे सो रहे हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए कांटे पे सो रहे हैं, बहुत ही आश्चर्य बात है। और बाबे के ऊपर जो है देखिए किस तरह से युवा चढ़े हुए हैं, का माया है जो इस तरह का आपको दृश्य देखने को मिल रहा है, बहुत ही
सोचने की बात है। यहाँ पे भव्य तरीके से हो गया, रहने दीजिए। तो देखिए बाबा को पीछे में देखिए, कांटी जो है चुभ चुका है, देखिए पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की माया है, और बाबा कहाँ से आए हैं वो जानेंगे। आखिर में कितने दिन यहाँ पे रहेंगे, इधर आइए, कितने दिन यहाँ पे रहिएगा? 11 दिन तक रहेंगे। 11 दिन तक रहिएगा, 11 दिन तक इस पर सोए रहिएगा? इस पर नहीं, कांटे के सैया पर। कांटे के सैया पर, उस कांटे पर खड़े हो। कहाँ से आए हैं आप? छपरा जिला एकमा थाना रसूलपुर चट्टी गांव से। आपका नाम क्या हुआ? पगला बाबा। पगला बाबा नाम हुआ आपका। तो भक्त से क्या आग्रह कीजिएगा, आपको देखने के लिए आए या नहीं आएगा? वो हरि का माया, हम तो अपना काम कर रहे हैं, देखने वाले के लिए हम सब देखने सुनने के लिए न हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए पगला बाबा है, और जो है कांटे पर जो है 11 दिन सोएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, और खासकर और लोगों से जानेंगे, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आप यहाँ के स्थानीय आदमी क्या? जी बताइए, कब से चालू हो रहा है महायज्ञ? ये रुद्र महायज्ञ 23 तारीख से आरंभ हो रहा है, 3 तारीख तक चलेगा। ये रुद्र महायज्ञ एवं देवाधिवास एवं शिव महापुराण ज्ञान कथा का आयोजन एवं नित्य दिन भंडारा का आयोजन इस रुद्र महायज्ञ में किया गया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु के लिए उत्तम व्यवस्था सो भी किया गया है। इस रुद्र महायज्ञ में आचार्य लोग होंगे काशी विश्वनाथ से, ब्रह्मा पंडित लोग होंगे उजान लगमा दरभंगा यूनिवर्सिटी से, कथावाचक आएंगे वृंदावन से, और हमारे कुछ संत लोग से आप मिले हैं जो कि पधार चुके हैं। और ये रुद्र महायज्ञ विश्व कल्याणार्थे सनातन वैदिक धर्म के लिए भौ रहा है। अ रुद्र महायज्ञ में भाग लो, अपन जीवन के कृतार्थ बनाबू और पुण्य के भागी बनू। समस्त श्रद्धालुगण से ई नम्र निवेदन माँ काली पूजा सेवा समिति कर रहा है। अच्छा, समापन कब होगा? इस रुद्र महायज्ञ का समापन 3/7/2024 का होगा, पूर्णाहुति 3 तारीख को। जी अच्छा, जो भक्त श्रद्धालु जो महायज्ञ में आएंगे उनके सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया? पूरा मेला सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है, इसमें प्रशासन शिविर है, स्वास्थ्य विभाग का शिविर है, किसी भी तरह का उनको दिक्कत होता है तो इस महायज्ञ में तो माँ काली पूजा सेवा समिति इस साधु संत श्रद्धालु के लिए उत्तम व्यवस्था बनाए रखे हैं जो किसी भी प्रकार का दिक्कत उनको ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार झा हुआ, वैसे दुनिया 10 नाम प्रियदर्शी साधक बाबा मसानीनाथ कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा बताइए, आपके इलाका में महायज्ञ चालू होने जा रहा है, कितना खुश हैं आप लोग? ये तो जग पहले तो जगे न जग में जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथम न्यासन्न तेहनाकम महिमान सचंद्र जत पूर्वी साध्या शांति दीवा। जग से क्या होता है? जग से बारिश होता है, पर्जन्य इस यज्ञ से बारिश होता है, बारिश से अन्न पैदा होता है, अन्न से 84 लाख जीवों का प्रतिपाल होता है। यज्ञ बहुत पुण्य का उदय होता है, हजारों हजार वर्ष की जब तपस्या धरती माँ करती है तो एक यज्ञ होता है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रंजीत पाठक। घर कहाँ? घर हुआ राटी मंगरौनी, मधुबनी जिला। मधुबनी जिला से जी, आए हैं। जी जी। तो आप भी इस महायज्ञ में शामिल? महायज्ञ में मैं शामिल हूँ। आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान है जो जैसे सेवा करते हैं और पूरे सहयोग हम भी लगाए हुए हैं विश्व कल्याण के लिए, और क्या कहें, मन के चलना। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पगला बाबा भी अपना 11 दिन जो है कांटे पर सोएंगे, और एक बाबा है क्या लाल दास जी महाराज जी हैं जो यहाँ पे 11 दिन जो है समाधि में रहेंगे बिना जो है अन्न खाए हुए, पानी पिए हुए। तो आप लोग जरूर इस महायज्ञ में एक बार जरूर भाग ले और अपना अपना पुण्य का भागी बने। और तो आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक।